सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड एक नई खबर आ रही है। अगर आपका इस बैंक में खाता है तो सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। वो कौन सा बैंक है और कौन कौन से बैंकों के जो खाते हैं वो मान्य हैं, केवल किन बैंकों के खाते मान्य हैं, कौन से खाते मान्य हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और कौन सा बैंक है जिसमें कि अगर आपका जिस बैंक का अकाउंट नंबर आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आवेदन में आपने दिया है तो आपको जो सम्मान निधि का पैसा है वो नहीं मिलेगा। दोस्तों, पूरी वीडियो आपने देख लेनी है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड हर नई जानकारी का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये वेबसाइट पर हम आ जाते हैं और यहाँ जब हम फार्मर कॉर्नर पर एडिट ये जो बेनिफिशियरी स्टेटस है इस पर जब हम क्लिक करते हैं और इस तरह से अपना स्टेटस देखते हैं, यहाँ अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर डाल के, तो यहाँ हमें सबसे पहले देखने को मिलता है हमारा नाम, फार्मर नेम जो कि हमने आवेदन फॉर्म में दिया है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट और स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और अकाउंट नंबर। तो दोस्तों, आपने अकाउंट नंबर आपने यहाँ देख लेना है, आपने कौन से बैंक का अकाउंट नंबर दिया है, IFC कोड क्या है वहाँ का, ये पूरा आपने देख लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको बता देता हूँ जो रिजेक्टेड लिस्ट है और इसमें आपको रिजेक्शन का रीज़न आपको बता देता हूँ। रिजेक्शन का रीज़न आप देख सकते हैं, IFC कोड ये जो इसमें बैंक में बैंक का आपने दिया है और जो बैंक आपने दी है वो उस ब्रांच से रिलेट जो इनएक्टिव उस ब्रांच से हो चुकी है। तो ये दोस्तों कौन सा बैंक है जिसके कि जो बैंक नंबर आपने दिया है उसकी IFC कोड इन PFMS ने एक्सेप्ट नहीं की है, वो इनएक्टिव हो चुकी है। तो क्यों ये सब हो रहा है इस तरह आप देख सकते हैं, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, बैंक नेम एंड IFC कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि बैंक का जो IFC कोड है और बैंक का जो नाम है वो IFC कोड और बैंक का नाम आपस में मैच नहीं होता। तो दोस्तों, ये इस तरह से क्यों दिखा रहा है, ये बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट में दिखा रहा है, ये आप लिस्ट देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं आप IFC कोड जो है ये इनएक्टिव या रिलेटेड टू ईच अदर, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर दिखा रहा है। लगभग सभी के अकाउंट में ये इसी तरह से दिखा रहा है, IFC कोड जो है आपका करंटली इनएक्टिव है जिस ब्रांच में, जिस ब्रांच का नंबर आपने दिया है खाता नंबर। और इस तरह आप ये देख सकते हैं, हर उसमें देख सकते हैं ये इसी तरह दिखा रहा है। और आपको कई कई जगह पे इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, अकाउंट टाइप इज अदर देन SBA और GD। तो दोस्तों, ये जो उन्हीं लोगों को ये समस्या हो रही है जिनका कि जो अकाउंट नंबर गलत है या उनका IFC कोड गलत हो रहा है बता रहा है, जबकि उन्होंने दिया भी सही है, IFC कोड सही दिया है, बैंक नंबर सही दिया है, लेकिन फिर भी इस तरह से आपको दिखा रहा है, तो इसका क्या कारण है। तो दोस्तों, इसका कारण आपको बता देते हैं, जो ग्रामीण बैंक आपका है जैसे कि बिहार में, दक्षिण बिहार में ग्रामीण बैंक, जैसे कि आपको बता देते हैं ग्रामीण बैंक जो है उसका, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उसमें जो जिन लोगों का अकाउंट है या इस तरह के जो ग्रामीण बैंकों में आपका अगर अकाउंट है, और इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि ग्रामीण बैंक का जो इनका जो होता है साझेदारी होती है किसी और बैंक के साथ में होती है, तब जाके ग्रामीण बैंक का IFC कोड जनरेट होता है। तो दोस्तों, उस वक्त अगर उस बैंक की किसी और बैंक के साथ में साझेदारी हो और आगे जाके उस बैंक की साझेदारी किसी और बैंक के साथ हो तो उसका IFC कोड बदल जाता है, जिससे कि आपने जो किसान हैं जिनका कि उस बैंक में अकाउंट होगा तो उनकी किस्त नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जो IFC कोड है वो बदल जाएगी लेकिन बैंक अकाउंट नंबर वही रहेगा, और इस कारण से उनकी जो किस्तें हैं वो उनकी नहीं आ पाएंगी। तो दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों को समस्या इस तरह से आ रही थी और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी हमें बताया था कि जो इनका जो बैंक है, जो ग्रामीण बैंक है, उनमें जो दक्षिण ग्रामीण बैंक है बिहार का, उसमें क्यों इस तरह से हो रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण यही है कि उनका जो उस वक्त की साझेदारी थी वो UK बैंक के साथ में थी, और अब जब लोगों ने अप्लाई किया था तो उनका जो सारा कुछ एक्सेप्ट हो गया, और उस वक्त उनकी साझेदारी UK बैंक के साथ में थी और जब तक उनकी जो किस्तें आनी थी तब तक उनकी साझेदारी, बैंक की साझेदारी जो उनकी ग्रामीण बैंक है पंजाब नेशनल बैंक के साथ में हो गई, तो उनका IFC कोड बदल गया जिसके कारण से ये सब हो चुका है। अब दोस्तों, इसका जो कारण हमने आपको बता दिया है और इसका
उपाय क्या है वो भी आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप ये देख सकते हैं लिस्ट में पूरी ये इस तरह से यहाँ आपको दिया गया है, और इस लिस्ट में आप अपना नाम भी देख सकते हैं। और यहाँ के जब आप इस तरह से देखते हैं तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपका जो बैंक है वहाँ आपने जाना है, IFSC कोड या आपने अपनी पासबुक नई पासबुक ले लेनी है, जो IFSC कोड आपका चेंज हो चुका है वो आपके पासबुक में अलग से दिखा इस तरह से दिखा रहा होगा अकाउंट नंबर IFSC कोड। और उसके बाद आपने स्टेटस में आके अपना IFSC कोड यहाँ से चेक कर लेना है या कौन सा IFSC कोड है। उसके बाद आपने पटवारी या लेखपाल के पास जाके IFSC कोड आपने चेंज करवा लेना है, और आपकी जो किस्तें हैं वो बिल्कुल आपको मिल जाएंगी, सभी किस्तें आपको मिल जाएंगी। और अगर आपकी पहली दूसरी तीसरी किस्त में से आपको कोई भी किस्त नहीं मिली है तो आपकी तीनों किस्त आपके 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको जो कंटिन्यू आपको मिल जाएंगी, तीनों किस्त आपको जो आपका दिसंबर जनवरी तक आपको पूरी सारी किस्तें आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों RFT जैसे कि इस स्टेटस में दिखा रहा है RFT साइंड बाय स्टेट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो दोस्तों RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र, यानी कि आपकी किस्त के लिए जो रिक्वेस्ट कर दी गई है फंड ट्रांसफ़र की, आपके 2000 रुपये के लिए रिक्वेस्ट कर दी गई है और आपकी जल्द ही आपके अकाउंट में पहली किस्त आ जाएगी इस तरह से, या अगर दूसरे में दिखा रहा है तो दूसरी किस्त, तीसरे में दिखा रहा है तो तीसरी किस्त आपकी आ जाएगी। अब दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने नया आवेदन किया है तो आपके नए आवेदन में आपको स्टेटस देखने के लिए ही आपको कम से कम 2 या 3 महीने का इंतजार आपको करना पड़ता है। आवेदन में जब आप नया आवेदन करते हैं उसके बाद आप स्टेटस में कुछ दिन बाद देखना चाहते हैं तो स्टेटस में आपको दिखाता है कि या तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या आपकी गलत जानकारी देने के कारण आपका रिजेक्ट हो चुका है, और फिर आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको दिखाता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो दोस्तों जो आपका स्टेटस है वो आपके आवेदन के कम से कम 2 से 2.5-3 महीने बाद यहाँ आपका स्टेटस दिखाना शुरू करता है, क्योंकि जब आपका आवेदन पूरी तरह से स्वीकार हो जाता है तभी आपका स्टेटस दिखाता है, नहीं तो आपका स्टेटस नहीं दिखाता है। तो दोस्तों इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड नई नई जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।